सबीहा। आप में से बेहद कम लोग हैं जो इस नाम से वाकिफ होंगे, लेकिन आपने इन्हें 1992 में रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ी में जरूर देखा होगा। अक्षय कुमार, आयशा जुल्का और दीपक तिजोरी स्टारर उस फिल्म में, सबीहा भी एक अहम रोल में थी। फिल्म में सबीहा की ही चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है और फिर इसी के इर्द गिर्द फिल्म की सारी कहानी घूमती रहती है। अब शायद आपको याद आ गया होगा कि हम किस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किस्सा टीवी आज आपको सबीहा की कहानी बताएगा, जो कि एक छोटे से टाइम स्पैन के लिए ही सही, लेकिन बॉलीवुड के बड़े नामों में शुमार हुआ करती थी। सबीहा की कहानी हम अपने एक सब्सक्राइबर की खास रिक्वेस्ट पर लेकर आए हैं। यूं तो सबीहा के बारे में बहुत जानकारियां हमें नहीं मिल पाई हैं, पर जितनी भी जानकारी हम जुटा पाए हैं उससे आप सबीहा के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे। सबीहा का जन्म किस तारीख को हुआ था ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन इतना ज़रूर पता चल पाया है कि ये साल 1971 में पैदा हुई थी। इनकी माँ का नाम था अमिता और वो पुराने दौर की बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा थी। शम्मी कपूर के साथ फिल्म तुमसा नहीं देखा में सबीहा की माँ अमिता को लीड रोल निभाने का मौका मिला था। कुछ और बड़ी फिल्मों में काम करने के बावजूद अमिता का फिल्मी करियर कभी भी उस ऊँचाई पर नहीं पहुँच सका जिसका ख्वाब हर एक्ट्रेस देखती है। आखिरकार अमिता ने फिल्मों से खुद को अलग कर लिया और एक्टर डायरेक्टर कामरान खान से शादी कर ली। अमिता कामरान खान की दूसरी बीवी थी। अमिता से पहले कामरान ने मेनका ईरानी से शादी की थी। अमिता और कामरान की बेटी हैं सबीहा। पहली पत्नी मेनका ईरानी से कामरान को दो बच्चे पैदा हुए थे। उन बच्चों के नाम हैं फराह खान और साजिद खान। ये दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। इस तरह सबीहा साजिद और फराह खान की सौतेली बहन है। सबीहा का फिल्मी करियर शुरू हुआ था साल 1986 में। इनकी पहली फिल्म थी अनोखा रिश्ता। सबीहा इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी और ये फिल्म काफी बोल्ड थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सबीहा ने मीडिया में कुछ ऐसा कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई थी। दरअसल सबीहा ने राजेश खन्ना पर इल्जाम लगाया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ने उनके साथ अनुचित बर्ताव किया और उन्हें काफी हैरेस किया। राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारे पर लगे इस इल्जाम से हर कोई हैरान था, लेकिन इस पूरे वाक्य का सबसे बुरा असर खुद सबीहा पर ही हुआ। सबीहा ने राजेश खन्ना के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत नहीं की। नतीजा ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि सबीहा ने खुद को मीडिया में लाने के लिए राजेश खन्ना पर झूठा इल्जाम लगाया है। लोगों ने सबीहा को फिल्मों में काम देना बंद कर दिया। मजबूरन सबीहा को बी ग्रेड फिल्मों की तरफ रुख करना पड़ा। कयामत की रात और सोने की जंजीर नाम की उनकी दो बी ग्रेड फिल्में आई जिनमें ये लीड एक्ट्रेस के रोल में थी, लेकिन बी ग्रेड फिल्मों में भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। बी ग्रेड फिल्मों में जब सबीहा की बात नहीं बनी तो एक बार फिर से उन्होंने बड़े बजट की फिल्मों की तरफ रुख किया। हालांकि अब तक वो वक्त गुजर चुका था जब सबीहा को कोई मेन हीरोइन के तौर पर अपनी फिल्म में लेता। खुद सबीहा को भी इस बात का एहसास था, सो उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में लीड रोल करने से बेहतर बड़े बजट की फिल्मों में छोटे रोल निभाना समझा। 100 डेज, खिलाड़ी, जालिम और जय विक्रांत जैसी कुछ बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में सबीहा छोटे किरदारों में ही दिखी। इनमें सबसे प्रमुख थी फिल्म खिलाड़ी, जिसमें ये वो कॉलेज स्टूडेंट बनी थी जिसकी हत्या एक ट्रिप पर कर दी जाती है। कुल मिलाकर अपने फिल्मी करियर में सबीहा ने महज 10 से 12 फिल्मों में ही काम किया। इनकी आखिरी फिल्म थी जय विक्रांता, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद से ही सबीहा को नहीं देखा गया। वो कहाँ गई किसी को कुछ मालूम नहीं चल पाया। सालों बाद एक मैगजीन में सबीहा के बारे में एक लेख छपा था। उस लेख में बताया गया था कि फिल्में छोड़ने के बाद सबीहा ने कुछ सालों तक मुंबई में ही ज्वेलरी डिजाइनर की हैसियत से काम किया था। उसके बाद ये किसी गल्फ कंट्री की एयरलाइन कंपनी में काम करने विदेश चली गई थी। सबीहा के बारे में इतनी ही जानकारी हमें मिल पाई है। काफी तलाशने के बाद भी हमें सबीहा के बारे में और कुछ पता नहीं चल पाया।
ऐसे में हम बस इतना ही कहेंगे कि सबिहा जहां भी हों सही सलामत हों। अपने छोटे से फिल्मी करियर में सबिहा ने अपने कई फैंस बना लिए थे। वो फैंस आज भी सबिहा को याद करते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं। किस्सा टीवी उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द सबिहा के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। जय हिंद।